ओके तो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये वाला हमने यहाँ तक किया था। सो नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग शुरू करेंगे मैजिक वैंड सिलेक्शन। ओके मैजिक वैंड सिलेक्शन कैसे यूज़ होता है। ओके मैजिक वैंड सिलेक्शन यूज़ करने के लिए देखिए मैंने ये दो टूल आपको बताए, अभी मैजिक वैंड करेंगे। मैजिक वैंड के लिए आप फाइल ओपन कीजिए, ऐसा फ़ोटो हम लोग चूज़ करते हैं, ये मैंने बता दिया है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इसमें। ये वाला फ़ोटो आपने चूज़ कर लिया, यहाँ पे आपने मैजिक वैंड लिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ टॉलरेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम होगा या बहुत ज़्यादा होगा तो बॉर्डर अच्छा नहीं लगेगा। ओके सो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट इन्वर्स कर सकते हैं, फिर आपने इसको मूव टूल से लेके यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके सो ये है आपका ये वाले टूल का यूज़, तो ये मैं पिछले क्लास ही बता चुका हूँ। ओके उसके बाद एक होता है क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन में क्या होता है, कभी कभी हम लोग कुछ ऐसा इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए ये वाला, ये उतना सक्सेसफुल नहीं है, ये इसको मैं अच्छे से नहीं कर पाता हूँ, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। कुछ लोग इसको अच्छे से कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। अभी देखिए यहाँ पर मैं मैजिक वैंड ठीक से यूज़ नहीं कर सकता, यहाँ पर दो तीन कलर का ब्लेंड है। ओके तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, क्विक सिलेक्शन लेते हैं, यहाँ कॉर्नर से ऐसे क्लिक करते हुए ड्रैग करते हैं ऐसे। ओके अंडू, ये उतना अच्छे से नहीं होता है मेरे से। ओके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे मैंने ड्रैग किया। ओके तो जहाँ पे आपको लगता है कि आपका शेप में थोड़ा सा मतलब पीछे का बैकग्राउंड है, आप उसको पूरा ऐसे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसको ऐसे क्लिक करते जाइए। कभी कभी क्या होता है, ये देखिए ये अंदर वाला भी आ गया, इसमें कंट्रोल थोड़ा सा उतना खास नहीं रहता है, फिर भी अच्छा टूल है। ओके यहाँ देखिए, मतलब आप ऐसा देखिए ये यहाँ पास कर गया। ओके कोशिश कीजिए ये वाला टूल, इसको अंदर को ऐसे हम लोग ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं जो परफेक्टली ऐसे सिलेक्शन होगा लाइक। अगर ये बाहर का कलर इससे पूरा अलग होता है तो ये आसानी से होगा, अदरवाइज़ ये थोड़ा पास कर जाता है। ओके सो ये है आपका क्विक सिलेक्शन, ये मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, आप ट्राई कर लीजिए। ओके मैजिक वैंड हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके लाइक दिस। इसके बाद एक दो टूल और है सिलेक्शन का जो आपको बाहर मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, ये वाला टूल आपको मिलेगा। टी टूल को जब प्रेस करके रखेंगे, ये हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क है, ये वर्टिकल टाइप मास्क है। ये बहुत पुराने ज़माने में यूज़ होता था, आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं होता, फिर भी मैं बता देता हूँ। आप लिखने के लिए तो कलर फिल के लिए तो ये कभी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो आप डायरेक्ट इससे भी कर सकते थे। ओके इसको मैं एक यूज़ दिखाता हूँ। मान लीजिए आपने एक इमेज यूज़ कर दिया। ओके टी टूल में आप गए हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन मास्क, यहाँ पर आप फॉन्ट साइज सब पहले से ही बना के रखिए। ओके यहाँ पे ये जो फॉन्ट का साइज़ है ये 48 है। ओके ये सब पहले से ही थोड़ा सा बड़ा करके रखिए, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। ओके ये फॉन्ट साइज़ 48 है, इसको मैं थोड़ा 72 कर देता हूँ। ओके यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ। ओके मान लीजिए सिलेक्शन टेक्स्ट करके मैंने टाइप कर दिया। ओके अभी आप इसको कंट्रोल ए प्रेस करके सिलेक्ट कर लीजिए, ये 72 बहुत छोटा है, इसको 150 कर देते हैं। ओके उसके बाद आप कीबोर्ड का ये राइट साइड वाला एंटर यहाँ पे प्रेस कर देंगे, ये देखिए ये सिलेक्शन हो जाएगा। अभी आप यहाँ से इसको कॉपी कीजिए। ओके आप इसको कहीं पर भी एडिट जाके पेस्ट कीजिए, अभी देखिए क्या हुआ है, आपका जो सिलेक्शन टेक्स्ट है उसके अंदर ये बैकग्राउंड का सिलेक्शन आ गया है। इसको मैं आगे कुछ तरीके बताऊँगा जो बहुत ईजिली होगा, लेकिन पुराने टाइम में हम लोग टेक्स्ट का सिलेक्शन इसके साथ ऐसे ही करते थे। ओके होप यू अंडरस्टूड। तो यही चीज़ आप इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो आपको थोड़ा दो बार देखना पड़ेगा। ओके क्योंकि ये सिलेक्शन लिखने के बाद आप इसको फॉन्ट या कुछ एडिट नहीं कर सकते, तो इसलिए पहले से ये अच्छे से सेट करके रखिए और इसको यूज़ कीजिए। ओके सो ये वाला है आपका दिस वन। ओके इसके बाद सिलेक्शन का कुछ ऑप्शन हैं, जैसे फीदर, और मैंने न्यू फाइल बनाया, इसको 800-600 कर लेते हैं। ओके यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन टूल में आएंगे, रेक्टेंगल सिलेक्शन, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है फीदर। ये फीदर का क्या मतलब है, सो अभी आपका फीदर ज़ीरो है, मैं कोई भी ड्रॉ करता हूँ और ऑल्ट बैकस्पेस करता हूँ, तो आप देखिए ये बॉर्डर कैसे आ रहा है।
ये पूरा शार्प आ रहा है ओके। सो मान लीजिए अगर मैंने इसको फिदर 20 कर दिया, मैंने मान लीजिए फिदर 20 कर दिया, अभी मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करता हूँ और ऑल्ट बैकस्पेस करता हूँ, तो देखिए क्या होगा, इसका एडजस्ट स्मूद आया ओके। तो इसीलिए हमेशा फिदर डाल के लोग यूज़ करते हैं जिनको बॉर्डर ऐसे एडजस्ट चाहिए। ये इमेज में भी वर्क करता है और यहाँ पर भी वर्क करता है। इमेज में कैसे वर्क करता है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सिलेक्शन टूल लिया है, यहाँ पे फिदर 20 लिया है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं इसको अगर मूव करके यहाँ ड्रैग करके कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो देखिए एडजस्ट पूरा स्मूद आ रहे हैं ओके। और मैं अगर इसका फिदर 0 रखूँगा, इसमें और एक चीज़ याद रखिए, एक बार आपने फिदर दे के सिलेक्शन कर लिया तो आप उसको फिदर को और घटा नहीं सकते ओके। ऐसे लाइक दिस, तो जब फिदर 0 से आप सिलेक्ट कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपका एडजस्ट शार्प आता है, और जब आप फिदर बढ़ा के कॉपी पेस्ट करते हैं तो एडजस्ट स्मूद आता है। तो आप डिसाइड कीजिए, आपको फिदर थोड़ा सा स्मूथ चाहिए तो कम फिदर दीजिए, ज़्यादा स्मूथ चाहिए तो ज़्यादा फिदर दीजिए ओके। उसके बाद एक स्टाइल नॉर्मल एक ऑप्शन है, इसको हम लोग ज़्यादातर अवॉइड करते हैं। यहाँ पे जो ये स्टाइल नॉर्मल है, ये हमेशा हम लोग नॉर्मल ही रखते हैं। अगर आप इसको फिक्स साइज़ कर देंगे तो आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए कितना आपको मेज़रमेंट चाहिए। मुझे 100 पिक्सल्स बाय 100 पिक्सल्स का कुछ ड्राइंग चाहिए, तो मैं इसको 100 पिक्सल्स बाय 100 पिक्सल्स यहाँ पे टाइप कर दूँगा। उसके बाद स्क्रीन में सिर्फ क्लिक करूँगा तो देखिए ये अपने आप 100 पिक्सल्स बाय 100 पिक्सल्स का आएगा। उसमें आप कलर फिल कर सकते हैं या इमेज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे फिक्स्ड रेशियो है, ये 1:1 है, तो अभी मैं जो भी बनाऊँगा ऐसे स्क्वायर बनेगा। मैं रफली ऐसे ड्रैग करना चाहूँगा तो ऐसा नहीं होगा, तो ये इसीलिए है कि यहाँ पे फिक्स्ड रेशियो रखा गया है ओके। तो आप इसको 2:1 कर सकते हैं, तो विड्थ 2 times होगा, हाइट 1 time होगा। अगर आपको ऐसा कुछ डिज़ाइन चाहिए जिसमें विड्थ ऐसा डबल हो, हाइट सिंगल हो, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। या फिर आपको नॉर्मल सिलेक्शन करना हो तो इसको हमेशा नॉर्मल रखिए। कभी कभी प्रैक्टिस में जो लोग ये चेंज कर देते हैं और ये जो सीखे नहीं होते हैं, उनका सिलेक्शन में हमेशा गड़बड़ होता है, उनको पता नहीं चलता है, तो सिलेक्शन में हमेशा ये नॉर्मल रहेगा ओके। सो ये है आपके सारे सिलेक्शन के ऑप्शंस जो मैंने आपको बता दिए हैं, जो फोटोशॉप में एज ए सिलेक्शन यूज़ किया जाता है ओके। इसका नेक्स्ट हम लोग एक प्रैक्टिकल करेंगे जहाँ पे सिलेक्शन मेनू का जो ऑप्शंस है हम लोग यहाँ से सीखेंगे। सो इससे क्या होगा, आप टोटल एक सिलेक्शन कैसे किया जाता है उस कैटेगरी का पूरा पार्ट आप कवर कर सकते हैं ओके। सो ये सिलेक्शन का कैटेगरी का सेकेंड पार्ट है एक्चुअली। पहला पार्ट आपको मैंने तभी सिखा दिया था जब मैंने आपको पेन टूल से सब्जेक्ट को ऐसे कॉर्नर से सिलेक्ट करना सिखाया था ओके। सो ये सेकेंड पार्ट हमने कवर अप कर दिया, और सिलेक्शन का लास्ट पार्ट है सिलेक्शन का, ये मेनू से हम लोग सीख लेंगे ओके। सो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा।